एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह भ्रम गुर प्रसाद जप आज सच जुगाद सच है भी सच है नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। शो दैट डायगनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बायसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। आपको यानी ABCD एक स्क्वायर दिया हुआ है, आपने लिख दिया, डायग्राम बनाई, ABCD स्क्वायर दिया हुआ और आपको बोला है कि मींस आपको प्रूफ करना है कि उसके डायगनल यानी ACBD इक्वल है। और क्या प्रूफ करना है, ये बायसेक्ट करते हैं, मतलब ये टुकड़ा इज इक्वल टू ये टुकड़ा, AO इज इक्वल टू OC एंड BO इज इक्वल टू OD, यानी ये टुकड़ा इज इक्वल टू ये टुकड़ा। एंड आपको ये प्रूफ करना है दे बायसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, मींस 1 2 3 4, ये चारों 90 के हैं। ABCD स्क्वायर दे रखा, स्केयर दे रखा मतलब ऑपोजिट साइड्स, मींस स्केयर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, स्केयर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, वो आपको प्रॉपर्टी बेसिक पता है, यानी ABBC CD AD चारों साइड्स इक्वल होंगी। और आपको पता है स्केयर के सारे एंगल्स ये वाले 90 होते हैं, वर्टिसेस वाले, तो ये ABCD 90 है, यानी ये दो चीजें आपको गिवन हो गई है, एक तो सारी साइड्स इक्वल और सारे एंगल्स 90। प्रूफ क्या करना है, ये डायगनल इस डायगनल के इक्वल है, ये टुकड़ा इस टुकड़े के, ये टुकड़ा इस टुकड़े के, एंड ये 1 2 3 4 90 प्रूफ करना। तो पहले ध्यान से देखिएगा मैं करने क्या वाला हूँ। सबसे पहले मैं ADC एंड BDC को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करूंगा, बहुत ईजी है प्रूफ करना। ADC ये वाला और ये वाला ट्राइंगल BDC, AD इज इक्वल टू BC गिवन, सारी साइड इक्वल है, देन DC इज इक्वल टू DC दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, देन इस ट्राइंगल का एंगल D और इस ट्राइंगल का एंगल C 90। सो मेरे पास बाय साइड एंगल साइड रूल से ये ट्राइंगल ADC एंड BDC कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए। अब ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए, देयरफोर, या ये मतलब होता है देयरफोर का, देयरफोर ये सिंबल देयरफोर का होता है, देयरफोर AC की मिलती जुलती साइड BD बाय CPCTC कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट। अब जरा ध्यान से देखिएगा, सेकंड पार्ट आपको प्रूफ करना है, ये टुकड़ा इज इक्वल टू ये टुकड़ा, ये टुकड़ा इज इक्वल टू ये टुकड़ा। पहला पार्ट तो हो गया, अब आपको सेकंड पार्ट में ये प्रूफ करना है, ये टुकड़ा ये टुकड़ा ये टुकड़ा और ये टुकड़ा बराबर है। तो आपको पता है ये फिगर पैरेललोग्राम है, एज ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्यों पैरेललोग्राम क्यों है, ऑपोजिट साइड इक्वल है, देखो ABDC के इक्वल है, चाहे सारी साइड इक्वल है, पर हमारी पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या, ऑपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। क्या ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड ABDC के इक्वल है, यस। देन ADBC के इक्वल है, यस। सो पहले ABDC के इक्वल है, यस। ADBC के इक्वल है, यस। तो अगर हमारी ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल हो तो हम उसे पैरेललोग्राम कह सकते हैं। तो देयरफोर पैरेललोग्राम के डायगनल्स एक दूसरे को बायसेक्ट करते हैं, ये पैरेललोग्राम हमने प्रूव कर दिया। फिर हम क्या लिखेंगे, डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बायसेक्ट ईच अदर, देयरफोर AO इज इक्वल टू OC, BO इज इक्वल टू OD। ये सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया। अब हमारे को 1 2 3 4 90 प्रूफ करना है। मैं ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने वाला हूँ। कैसे कॉन्ग्रेंट प्रूफ करे जाएंगे, बहुत इजी है, AOB एंड BOC। सो सबसे पहले AB इज इक्वल टू BC गिवन, सारी साइड्स इक्वल होती हैं स्क्वायर की। देन AO इज इक्वल टू OC, यानी यहाँ पे AO, यहाँ पे सॉरी, पहले चलो देखो ध्यान से, मैंने ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना, पहले AB इज इक्वल टू BC गिवन, देन इस ट्राइंगल में भी OB है, ये वाले में भी और ये वाले में भी OB है, OB इज इक्वल टू OB कॉमन, देन AO इज इक्वल टू OC, हमने पहले प्रूफ कर दिया पिछले पार्ट में। तो इस ट्राइंगल की ये साइड इसके इक्वल है, गिवन है, ये कॉमन है दोनों ट्राइंगल का, और AO इज इक्वल टू OC ये हमने पहले प्रूफ कर दिया। तो साइड 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 रूल से AOB कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया BOC के। तो फिर हमारा बाय CPCT, देयरफोर बाय CPCT एंगल 1 4 के इक्वल होगा, एंगल 1 का मिलता जुलता एंगल 4 है, बाय CPCT लिख दिया। फिर एंगल 1 + 4 180 होगा, क्योंकि एंगल होना स्ट्रेट लाइन। फिर एंगल 1 4 इक्वल है, तो मैं 4 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, एंगल 1, फिर यानी 2 एंगल 1 180, तो यहाँ पे 2 उधर जाके डिवाइड हो गया, एंगल 1 यानी 90 हो गया। अब एंगल 1 90 हो गया, सिमिलरली 2 3 4 सारे 90 होंगे। दैट्स इट, ये प्रूफ करना था, जो करना था हो गया।